अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज बटर पनीर मसाला बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने। और इसमें 10-15 काजू डाल देंगे और इसी के साथ प्याज भी डाल देंगे इसमें बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके और मिक्स कर लेंगे। इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 टमाटर है ये, और इसे मिक्स कर देंगे। और इसमें थोड़े से मसाले डाल दूंगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर हुआ 2 चम्मच तक, नमक डाल दूंगी इसमें थोड़ा, मैं 1 चम्मच नमक डाल देंगे तो ये आसानी से गल जाएगा और फटाक से हो जाएगा। ये पकने में मदद करता है नमक, जल्दी से जल्दी पका देता है इसे। अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने और इसे अब कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ शक्कर 2 चम्मच तक। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच मिल्कमेड भी डाल सकते हो। मिल्कमेड डालने से बहुत ही क्रीमी और अच्छा रहता है, बहुत ही स्वीटनेस आ जाता है। और मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से पक गया है, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और 1 चम्मच बटर डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल में और 2 हरी इलायची डाल दे रही हूँ और इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। गरम मसाला है और लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी पाउडर था और नमक था। इन सबको डाल के फटाफट मिक्स करेंगे, एकदम स्लो फ्लेम गैस कर देंगे, गैस को एकदम मीडियम फ्लेम या तो स्लो कर देंगे एकदम स्लो, जैसे कि जले ना ये मसाले हमारे। और वो प्यूरी डाल देंगे इसमें तुरंत, ज़्यादा देर भुनेंगे तो गर्म मसाला है वो जल जाएगा पूरा। सूखे मसाले तेल में ज़्यादा देर नहीं भूनना चाहिए, देखिए कलर चेंज हो गया 2 सेकंड में ही। थोड़ा सा पानी डालकर मैं मिक्सी को धो ली हूँ और उसे भी इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें मैं 2 चम्मच तक टमाटो सॉस डाल दे रही हूँ। बटर पनीर है तो थोड़ी सी खट्टा थोड़ा सा मीठा लगना चाहिए ये, और इसमें क्रीम डाल दे रही हूँ मैं और पनीर डाल दे रही हूँ। मैंने क्रीम इसमें 2 चम्मच डाली है और इसे कवर कर देंगे। इसमें धनिया डाल दे रही हूँ मैं थोड़ा सा, और आप चाहो तो कसूरी मेथी जब हम तेल भूनते हैं गरम करते हैं उसमें डाल दो भूनते समय, या फिर आप उसे हल्का सा तवे पे गरम करके हाथों से क्रश करके अभी डाल सकते हो जैसे हमारी सब्जी पक जाए तब। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।